देखिए, त्रयोदश पाठः चतुरः वानः। यहाँ पे जो त्रयोदश यानी होता है 13, पाठ चतुर वानर। अब इसमें जो है किस किस का उपयोग किया गया, लंग लकार है, लिट लकार है, कत्वा प्रत्यय। यहाँ पे ये बताया गया कि लंग लकार मतलब भूतकाल और लिट लकार मतलब भविष्यकाल, और जो कत्वा प्रत्यय इसका उपयोग जो है इस पाठ में किया गया है। हम स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है इसमें। एकस्मिन नदी तीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। यहाँ पे ये बताया गया है कि एकस्मिन, एकस्मिन माने होता है एक बार, नदी तीरे मतलब नदी के किनारे, जम्बूवृक्ष मतलब जम्बू यानी होता है जामुन का वृक्ष, आसीत यानी था। तो यहाँ पे यही बताया है कि एकस्मिन माने एक समय नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? जामुन का वृक्ष था, जम्बू यानी हमने क्या बताया, जामुन। अब तस्मिन एकः वानरः प्रतिवसति स्म। तस्मिन यानी होता है उस पर एक वानर, वानर यानी होता है बंदर, प्रतिवसति मतलब रहता था। कहाँ पर रहता था? एक जो है जामुन के वृक्ष पर। तस्मिन होता है एक वानर वहां रहता था। सह नित्यम जम्बू फलाने खा देती। इसमें सह यानी होता है वह, नित्यम यानी होता है प्रतिदिन जामुन के फल खाता था। किसका फल खाता था? वो जामुन का फल खाता था। कश्चित मकर तस्य मित्रम आसीत। कश्चित मतलब कोई, जो मकर यानी होता है मगर, कोई मगर तस्य यानी उसका मित्रम आसीत मतलब मित्र था। आसीत यानी क्या बता रहे हैं हम, था। सह वानर प्रतिदिनम तस्मय जम्बू फलानि ददाति इसमें। तो वह वानर जो है प्रतिदिन तस्मय मतलब उसे जम्बू फल देता था, मतलब जामुन का फल देता था। अतः सब मकर तस्य वानर से प्रिय मित्रम अवध। अतः इसलिए जो है वह मगर उसका मतलब किसका, उस बंदर का, उस वानर का प्रिय मित्र हुआ। कौन हुआ प्रिय मित्र? मगर हुआ। अब उसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए, एकदा मकर का निश्चित जम्बू फलानी स्वपत्नी अयच्छत। अब क्या हुआ कि एकदम मतलब होता है एक बार, मगर ने कानिश्चित मतलब कुछ जम्बू फलाने मतलब जामुन के फल स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को अयच्छत मतलब दिए। जो है एक बार मगर ने जो है को मतलब कुछ जो जामुन के फल है वो अपनी पत्नी को लिए अयच्छत मतलब लाया या ले गया। फिर तानी खादित्वा तस्य पत्नी अचिंत्यत। तानी उसे खा करके, तानी यानी होता है उसे खा करके या उनको खाकर, खादित्वा मतलब खाकर, तस्य पत्नी उसकी पत्नी ने अचिंतित, अचिंतित यानी सोचा, उसकी पत्नी ने विचार किया, सोचा और क्या कहा, अहो सह वानर प्रतिदिनम मधुरानी जम्बू फलानी खादती। वो क्या बोलती है अपने पति को कि अहो बंदर, अहो मतलब हे सह वानर मतलब वह जो वानर है प्रतिदिन क्या खाता है, मधुरानी यानी मीठे जामुन के फल खाता है। अतः नूनम तस्य हृदय अपि अति मधुरम भविष्यति। उन्होंने ये कहा वो जो है प्रतिदिन कैसा खाता, मीठा जामुन का फल खाता है, इसीलिए निश्चित ही, नूनम यानी होता है निश्चित ही उसका जो हृदय है अति कैसा होगा, मीठा होगा। कैसा होगा उसका हृदय? मीठा होगा, भविष्यत यानी होगा। इति सा स्वपति अवदत। ऐसा उसने अपने पति से कहा। किसने कहा ऐसा अपने पति से? मगर की पत्नी ने जो है अपने पति मगर से कहा। स्वपत्नी अवदत मतलब उसकी पत्नी ने कहा। भो प्रतिदिन मधुरानी जम्बू फलानी खादित्वा त्वं वानर मित्रस्य हृदयं कियत् मधुरं स्यात्। उन्होंने फिर कहा कि अरे वह तो प्रतिदिन कैसा करता है, मीठे जामुन के फल खाता है, और त्व वानर मित्र से हरदम कियत मधुरम स्यात्। तो तुम्हारे जो मित्र है, तो मतलब जो तुम्हारा वानर मित्र है उसका हृदय कितना मीठा होगा। ऐसा करके उसकी पत्नी बोलती है। किसकी पत्नी बोलती है? मगर की पत्नी। फिर है तस्य हरदम खादित्वा मम हृदय में भी अति मधुरम भोजती। फिर वो क्या कहती है कि उसका हृदय
खा करके जो मेरा हृदय भी कैसा हो जाएगा, बहुत मीठा हो जाएगा, ऐसा करके जो है कहती है। फिर क्या बोलती वो कि तत् यदि माम जीविताम दृष्टुम इच्छसि तहि आन्य शीघ्रम तस्य मानरस्य हृदयम। उन्होंने फिर कहा कि तत् यानी तुम यदि माम यानी मुझे जीवित दृष्टुम मतलब देखना चाहते हो या देखना चाहते हो या देखने की इच्छा करते हो तो तही अभी तो आन्यम शीघ्रम तस्य मानरस्य हृदयम। तो बोलती तो शीघ्र जाओ, क्या बोलती है शीघ्र जाओ और शीघ्र ही उसका क्या लेके आओ, हृदय लेकर के आओ, ऐसा करके जो है मगर की पत्नी किससे बोलती है, मगर से कहती है। अब क्या बोलेगा मगर स्वपत्नी बहुविधे उपाय निवारितवान। अब उसने जो है मगर ने अपनी पत्नी को बहुत विधि से बहुत उपाय से समझाया या निवारिता मतलब रोका। परम सत दृढ़ निश्चय आसीत, पर वो क्या कहती है, परंतु वह कहती है कि ये मेरा क्या है दृढ़ निश्चय था, ऐसा करके वो कहती। अब विवश मकर स्वमित्रम वानरम प्रति गत्वा औदर। अब विवश होकर के मतलब लाचार होकर मगर जो है स्वमित्र मतलब अपने मित्र वानर के पास गया और कहा मित्र प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि अद्य त्वम मम गृहमा गच्छ। उन्होंने फिर कहा कि मित्र प्रतिदिन मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ, अत्र मतलब यहाँ पर आता हूँ, अद्य अध्ययन होते आज तुम मेरे घर चलो, ऐसा करके जो है मगर किससे बोलता है, वानर से कहता है। उसके बाद देखिए वानर प्रत्युवाच तुम तो जले वसी कथम हम तत्र गंतुम शक्नोमि। फिर वानर ने कहा प्रतीक्षा मतलब उनके जवाब का उत्तर दिया किसने, बंदर ने, क्या कहा तुम तो जले वसी तुम तो कहाँ पर रहते हो, जल में रहते हो, कथम कैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, ऐसा करके किसने कहा, वानर ने कहा, किससे कहा, मगर से कहा। अब क्या बोलता है मकरा औदत। उसके बाद में मगर ने कहा अलम चिंतया तुम मम पृष्ठो उपरी उपयुस अहम त्वाम नेस्यामि। फिर मगर ने उसे कहा कि तुम चिंता अलम मतलब बस तुम चिंता मत करो, त्वम मतलब तुम, मम मतलब मेरी, पृष्ठ उपरी मतलब पीठ के ऊपर, उपयुसन होता है बैठकर। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। उन्होंने पृष्ठ उपरी मतलब मेरे पीठ पर तुम कहाँ हो जाओ, बैठ जाओ, अहम त्वाम नेस्यामि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ऐसा करके किसने कहा, मगर ने कहा। अब क्या हुआ कि यदा तौ नद्या मध्य भागे स्थितो तदा मकर वानरम अवदत। अब क्या हुआ कि यदा यानी जब तौ यानी वे दोनों कौन कौन, मगर और वानर मतलब बंदर, जब दोनों नदी के मध्य भाग में स्थित मतलब बीच में थे, कहाँ पर स्थित थे वो है? बीच भाग में स्थित थे, तदा मकर वानरम अवदत। तब मगर वानर से कहता है मतलब वानर ने जो मकर जो है वानर से कहा, क्या कहा उस समय देखिए, मम पत्नी त्वा हृदयम खादितुम इच्छति। उन्होंने क्या कहा कि जो मेरी पत्नी है तुम्हारा हृदय खाने का सोचती है या इच्छा करती है या खाना चाहती है, अतः त्वा मम मम गृहम नयामि, इसीलिए जो है तुम्हें अपने मतलब मेरे घर में ले जा रहा हूँ, ऐसा करके जो है मगर ने किससे कहा, वानर से कहा। तब उसके बाद में फिर वानर ने क्या कहा, देखो मकर से वचने वानर भीतः। अब क्या हुआ मगर के वचन को सुनकर के वानर कैसा हो गया, डर गया, भीत यानी होता है डरना, तो मगर के वचन को सुनकर के उसके भाषा को सुनकर के जो है वह कैसा हो गया, डर गया। किंतु चतुर वानर शीघ्रम अवदत, किंतु जो है बुद्धिमान जो बंदर कैसा था, चतुर था, बुद्धिमान था, तो उन्होंने कहा कि किंतु बुद्धिमान बंदर ने शीघ्र ही किससे कहा, मगर से कहा, रे मित्र मम हृदयम तू वृक्ष से कोटरे नहीं तम। उन्होंने कहा अरे मित्र
रे मित्र मतलब अरे मित्र मां मेरा हृदय तो कहाँ पर है, वृक्ष की कोटर में ही रखा है। मेरा हृदय जो है कहाँ पर रखा हुआ है, वृक्ष की कोटर में रखा है। अतः तुम शीघ्र मा तत्र नयम, उन्होंने कहा कि इसीलिए तुम मुझे शीघ्र वहां पर ले चलो। कहाँ ले चलो, वृक्ष की कोटर में ले चलो। अहम प्रमुदित मना मम हृदय तुभ्यम दास्यामि, उन्होंने कहा कि प्रमुदित मना यानी होता है प्रसन्नचित, उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्न मन से अपने हृदय को तुम्हें मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा। दास्यामि यानी होता है दे दूंगा। अब क्या हुआ कि मकरः वानरः पुनः तस्यां वासम आनीतवान। अब जो है मकर कैसा था, बुद्धिमान नहीं था, इसलिए मकर ने बंदर को पुनः मतलब फिर से तस्य मतलब उसके आवास पर ले आया, मतलब उसके घर पर ले आया। चतुरः वानरः शीघ्रम कुदित्वा वृक्षो उपरी आरुहत, उसके बाद में क्या हुआ कि जो चतुर वानर था, जो बुद्धिमान वानर था, वह शीघ्र ही मतलब बहुत जल्दी से ही कुदित्व मतलब छलांग लगाकर वृक्ष के ऊपर आरुहत यानी होता है चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर कहाँ हो गया, वृक्ष के ऊपर वह चढ़ गया। अब उसके बाद में देखिए उसने कहा बोला कि वानरः उच्च हसित्वा मकरम आवदत, उसके बाद में वृक्ष के ऊपर छलांग मार करके चढ़ करके उसने कहा और बहुत जोर से हंस करके कहा, क्या वानर ऊंचे मतलब बहुत जोर से हंसे तो मतलब हंस करके मगर से कहा, क्या कहा, रे मूर्ख किम हरदम कदापि शरीरात पृथक भवति, ऐसा करके उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख किम यानी होता है क्या, जो हृदय है कभी शरीर से पृथक यानी होता है अलग होता है, ऐसा करके किसने कहा, मगर को किसने कहा, बंदर ने कहा। तो मूर्ख असी, तुम कैसे हो मूर्ख हो, इतम परम त्वया स मम मैत्री समाप्ता, इस प्रकार से इतम परम त्वया मतलब ऐसा कह करके उन्होंने फिर कहा कि परंतु तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थी, इतम परम त्वया स मम मैत्री समाप्ता, उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारी और मेरी जो मित्रता थी वो अब कैसी हो गई है, समाप्ता मतलब खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि तुम कैसे हो, मूर्ख भी हो और तुम मेरी ही क्या मांग रहे हो, हृदय को मांग रहे हो। अब ऐसा करके जो है इति उक्तवा वानरः पुनः मधुराणी जम्बूफलानि अभजद, ऐसा कह करके जो वानर है पुनः मतलब फिर से मधुर मतलब मीठे फल जामुन के खाने लगता है। और फिर कहते हैं कि विश्वासो ही अयोर मध्य तयोर मध्य अस्ति सौहार्द्यम, यस्मिन् नैव अस्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभव, उन्होंने यही कहा कि विश्वासो ही अयोर मध्य ने तो बीच में, इन्होंने यही कहा कि जिसके बीच में विश्वास होता है उसी के बीच में क्या रहती है, मित्रता होती है। और यस्मिन् मास्ति और जहाँ पर विश्वास नहीं होता है वहां पर मैत्री मतलब वहां पर मित्रता संभव ही नहीं है। इस श्लोक में ये समझाया गया है, आप भी इसका जो है प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा और एक्सप्लेन करना सीखिएगा।